जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन चंद्रमा आपका षष्टम है, जो संपत्ति कारक और श्रेष्ठ कारक रहता है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपको आज के दिन मित्रों से, घर परिवार वालों से अच्छे संबंध रहने की स्थितियाँ भी बन रही हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है अथवा स्थानांतरण के योग हो रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय एवं अटका हुआ व्यापार या काम पूर्ण हो सकता है। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन कहीं आप व्यापार अथवा बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं या कोई आपको शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है सभी विषयों पर, जैसे कि वाहन भीड़ भाड़ जैसी जगहों पर कम जाएं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां एवं जमीन जायदाद का व्यापार श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन पत्नी पक्ष से एवं संतान पक्ष से अच्छे रिश्ते रहेंगे और आपका प्रेम व्यवहार सभी लोगों से बढ़ता चला जाएगा। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियाँ भी बन रही हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कहीं आप व्यापार जैसे कार्यों के लिए बाहर जा सकते हैं। आपके ऊपर शनि साढ़े सात ही महादशा चल रही है, इसलिए आप नीलम व्रत धारण करें या हनुमान जी की आराधना करें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए आप स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष ध्यान दें, तब आपके लिए दिन श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।